झारखंड हाई कोर्ट की ओर से प्रवर्तन निदेशालय ईडी के अफसरों पर कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं लेने के आदेश के एक सप्ताह बाद झारखंड पुलिस एक बार फिर एक्शन में है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से अफसरों के खिलाफ दर्ज कराए गए SC/ST केस में झारखंड पुलिस ने संबंधित अधिकारियों को समन भेज दिया है। उन्हें 21 मार्च को सुबह 11 बजे थाने में मौजूद रहने को कहा गया है। सोरेन ने अफसरों पर प्रताड़ित करने और पूरे समुदाय को अपमानित करने का आरोप लगाया है। समन भेजे जाने की जानकारी रखने वाले एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इससे 2-3 दिन पहले रांची में गोंडा पुलिस थाने से भेजा गया है। अधिकारी ने बताया कि जिन लोगों को समन भेजा गया है उनमें एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज, असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा समेत अनुप कुमार और अमन पटेल शामिल है। SSP चंदन कुमार ने समन की पुष्टि की लेकिन ब्यौरा देने में असमर्थ जाहिर की। SSP ने कहा कि हाँ, ईडी अधिकारियों को समन भेजा गया है लेकिन मैं इस मामले में अधिक ब्यौरा साझा नहीं कर सकता हूँ, जांच अधिकारी ही ज्यादा से ज्यादा कुछ बता सकते हैं। वहीं हेमंत सोरेन ने FIR में आरोप लगाया कि ईडी ने उन्हें प्रताड़ित करने और पूरे समुदाय को बदनाम करने के लिए दिल्ली स्थित उनके आवास पर छापेमारी की। उन्होंने कहा कि ऐसा जानबूझकर किया गया क्योंकि ईडी अधिकारी गैर आदिवासी समुदाय से थे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।